श्री शिवायमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की आखिरी काशी आ गई है या चातुर्मास की भी आखिरी काशी है। इसे देव उठनी या देव प्रबोधनी काशी के साथ नाम से जाना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह के योग भी होते हैं जो कि 23 नवंबर 2023 को आ रहा है। हम आपको बता दें इस दिन रवि योग भी रहने वाला है। रवि योग सबसे शुभ योग में से एक माना जाता है। यदि इस दिन आप कोई उपाय कर लेते हो आपके जीवन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है। साथ साथ में हम आपको बता दें कि इस दिन यदि आप कोई उपाय करते हो तो आपको धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ विष्णु जी की कृपा प्राप्ति होती है, आपके जीवन की मनोकामना भी पूरी होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं उससे आपके जीवन में व्यापार की भी वृद्धि होगी, कर्जा से मुक्ति मिलेगी क्योंकि इससे धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए बिना किसी देर के इस उपाय को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि हमारे चैनल प्रति मिश्रा जी उपाय बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ पर जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी समस्या सॉल्व हो सके। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलेगा। ऐसा करने से वीडियो अपलोड होती है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हल्दी जी का उपाय बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस बार जो एकादशी आई वो वीरवार के दिन पड़ रही है, ऐसा दुर्लभ योग बन चुका है जिसकी वजह से यदि आप इस दिन हल्दी का उपाय कर ले तो आपके जीवन में धन संपदा की प्राप्ति होती है क्योंकि हल्दी जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है, साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। आपने इन दोनों सामग्रियों का ही इस्तेमाल करना है और इन दोनों वस्तुओं को लेकर आपने पहुँच जाना है आंवले के पेड़ में। हम आपको बता दें कि श्री प्रदीप कुमार जी भी बताते हैं कि एकादशी के दिन यदि आप आंवले का पूजन करते हो आपके जीवन में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहती, आपके व्यापार में वृद्धि होती है। यदि आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें भी सफलता की प्राप्ति होती है, जीवन के हर तरह के संकट कट जाते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ में माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के संग में विराजित होती हैं जिसकी वजह से आपका घर धन और अन्न से भरा रहता है। आपने सबसे पहले यह जो एक चुटकी हल्दी ली है आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए यह हल्दी इनकी जड़ में समर्पित कर देनी है और ठीक आपने इसी हल्दी के ऊपर ही ध्यान रहे, ठीक इस हल्दी के ऊपर ही आपने यह जो लोटा जल समर्पित करना है तभी यह उपाय कारगर करेगा। साथ साथ में हम आपको समझा दें कि जब आपने उपाय करना है तब आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो आती जरूर शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी समस्या सॉल्व हो सके। श्री शिवायमस्तुभ्याम हर हर महादेव की हाजिरी कमेंट सेक्शन में जरूर लगाएं। श्री शिवायमस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो।